नमस्कार दर्शकों, आज मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ टूल्स का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ आपके सामने और उनका अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रही हूँ। पहला प्रोडक्ट है ये पैकेजिंग करने के लिए क्लिपिंग सील्स जो मैंने अमेज़न से मंगाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ की आपको जानकारी भी मिल सके। तो पहला प्रोडक्ट है ये पैकेट सीलर्स हैं जिनको आप प्लास्टिक के पाउच और पैकेट्स को सील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लिप की तरह दिखता है ये और ये 18 सील्स का एक पैकेट है जिसमें लार्ज, मीडियम और स्मॉल तीन साइज के क्लिप्स आते हैं। तो इन सील्स को आप हर तरह के पैकेट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेड के पैकेट, फ्रोजन फूड के पैकेट, स्नैक्स के पैकेट, कॉफ़ी बैग के पैकेट, इसी तरह से चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, सभी को आप सील कर लेंगे। जो पैकेट्स की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप सील क्लिपर्स का साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि किचन में हम बहुत सारे पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं और उनको सील करने के लिए एक बार खोलने के बाद हमें इस तरह के सीलर्स की ज़रूरत पड़ती है। इनको यूज़ करने से जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से सील हो जाता है, एयरटाइट हो जाता है और उसको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक वो फ्रेश बना रहता है। नहीं तो जो बिस्किट के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, अगर आप उनको एक बार खोल लें तो वो उनमें मॉइस्चर चला जाता है और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उनका क्वालिटी भी ख़राब हो सकता है। साथ ही जैसे रेनी सीज़न भी आता है तब भी आप किसी पैकेट को खोल लें तो उसके ख़राब होने की चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि स्टोरेज स्पेस सबके पास इतना नहीं होता कि अलग अलग पैकेट को अलग अलग डब्बों में स्टोर कर सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे, आई होप कि ये प्रोडक्ट आपके लिए भी यूज़फुल होगा। सेकंड प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील का एक कप सॉसर का स्टैंड या रेक आप कह सकते हैं। इसको आप डिश ड्राइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दो लेयर है, ऊपर की लेयर में आपको हुक्स लगे हैं जिसमें आप कप्स को हैंग कर सकते हैं और जो ऊपर के राउंड स्लॉट्स लगे हैं उसमें आप सॉसर को भी लगा सकते हैं, सॉसर या प्लेट्स। नीचे की जो एक लेयर है उसमें आप कटलरी रख सकते हैं जैसे स्पून और फॉर्क। तो ये स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट है, इसमें 6 कप और 6 सॉसर आप लगा सकते हैं और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस है 389 रुपीज़। इसके जो एंड्स हैं हुक्स के और जो स्टैंड के एंड्स हैं उसमें रबर की कैप्स लगी है जिसकी वजह से इसकी एजेस शार्प नहीं है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसको डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं। डिश को ड्राई करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कप्स और प्लेट्स अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि कप और प्लेट दिन में कई बार हम यूज़ करते हैं और ऐसे ही रखे रहने से उनके ऊपर वाटर स्टेन्स आ जाते हैं और इसमें हम जब इसको लगा देते हैं तो वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। आज का थर्ड प्रोडक्ट है एक तवा बेलन चकला का स्टेनलेस स्टील का बना हुआ स्टैंड। ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट है जो किचन में काफ़ी यूज़फुल होता है। ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है और इसकी प्राइस है 395 रुपीज़। इसका स्टेनलेस स्टील का क्वालिटी और फिनिशिंग अच्छा है और ये काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है। इसमें दो होल्स बने हैं जिससे आप इसको वॉल माउंट कर सकते हैं, तो आपको इसको प्लेटफॉर्म पर रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्लॉट्स बने हैं जिसमें आप तवा, चकला, बेलन और रोलिंग पिन मतलब कि चिमटा भी रख सकते हैं। जो हुक्स बने हैं उनमें बेलन को भी रखा जा सकता है। तो इसमें मैंने एडहेसिव हुक की मदद से इसको वॉल माउंट किया है और मैंने ड्रिलिंग नहीं की। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से तवा, चकला, बेलन और रोलिंग पिन आप इसमें रख सकते हैं, जो बहुत ही कन्वीनियंट होता है, एक्सेसिबल भी होता है और जो आपकी प्लेटफॉर्म की स्पेस है वो भी फ्री हो जाती है। इसमें इतना स्पेस रहता है कि आप इसमें तवा, चकला, बेलन के अलावा कुछ छोटे साइज़ की प्लेट्स भी रख सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के स्पेस को थोड़ा फ्री कर देता है और किचन थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता है। ये मैंने एडहेसिव हुक्स लगाए हैं जिसकी मदद से मैंने स्टैंड को हैंग किया है। तो आप आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।